ये झूठ बोल रहा है। मैंने कह दिया था मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय फिर समय बढ़ाना पड़ेगा, समय बताइए जल्दी। समय ठीक है, एक दिन और बढ़ा दिया जाएगा क्या? ठीक ठीक बोलिए। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो विषय विषय आ चुका है, विषय आ चुका है। महोदय एक बार बात तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बकवास ही बोल रहा है, बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइए। आसान है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मेरा भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकसभा में विधायक दल का नेता, क्या पता है इसको? डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? सब इस पर आरोप था, हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। अगर है तो क्यों नहीं, क्यों नहीं? कोर्ट का फैसला है, हमने तो नहीं कहा था। ये सारे लोग एक एक बात को जानते हैं, कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात के जानने के आधार पर अगर इसी तरह से हम सुनो ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज चार सीटें है, आज सदन में शांति बनाइए। माननीय सदा सदन ये सब बर्दाश्त के बाहर, आपने डिमांड किया था माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता सदन में है और जब बोलने लगे तो आप लोग घर से सुनते नहीं है। बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, आप शांति से सुने, यही तो तब की मांग आपने कर रहा था। मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।